अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर सबा। हमें डेली कितना पानी पीना चाहिए इस पर मुख्तलिफ ओपिनियंस हैं, लेकिन एक कॉमन राय ये है कि एक अडल्ट को डेली 2 लीटर यानी 8 ग्लास के करीब पानी पीना चाहिए। क्या ज़्यादा पानी पीने से भी वज़न बढ़ सकता है? आइए देखते हैं इस वीडियो में। जो भी इंफॉर्मेशन मैं आपसे शेयर करूँगी वो साइंटिफिक रिसर्च पेपर से और ऑथेंटिक सोर्सेज से ली गई है। साइंटिफिकली पानी पीने से वज़न कम होता है क्योंकि ज़्यादा पानी पीने से आप कम खाते हैं। ये हमारे मेटाबॉलिज्म को तेज़ करता है, ये हमारी बॉडी को अंदर से साफ करता है। लेकिन मैं आज आपको 4 ऐसी कंडीशंस बताऊंगी जिनमें ज़्यादा पानी पीने से आपका वज़न बढ़ने लग जाता है। नंबर 1, किडनी कैपेसिटी। हमारी बॉडी की पानी को हैंडल करने की एक कैपेसिटी है, यानी जो पानी हम पीते हैं उसे हमारे किडनी यानी गुर्दे फिल्टर करते हैं। अगर हम इस लिमिट से ज़्यादा पानी पीते हैं तो हमारी बॉडी इस एक्स्ट्रा पानी को फ्लश आउट नहीं कर पाती। इस तरह ये पानी हमारी बॉडी में स्टे करता है और हम वेट गेन करते हैं। नंबर 2, नॉन हेल्दी वाटर। जो पानी हम पीते हैं अगर वो हेल्दी ना हो तो हमारे लिए वेट गेन की वजह बनता है। ऐसा इसलिए है कि हमारे पीने वाले पानी में प्लूटेंट्स हो सकते हैं। इनमें ऐसे केमिकल भी शामिल हैं जो हमारी बॉडी के हार्मोनल लेवल को डिस्टर्ब कर देते हैं, जिससे आहिस्ता आहिस्ता वज़न बढ़ने लगता है। नंबर 3, सॉल्ट। ऐसे लोग जो नमक ज़्यादा खाते हैं उनके बॉडी साइज में सोडियम ज़्यादा होता है, इसलिए अगर ऐसे अफराद पानी ज़्यादा पीते हैं तो उनके सेल्स ज़्यादा सोडियम होने की वजह से पानी को होल्ड करने लगते हैं, जिससे वज़न बढ़ जाता है। नंबर 4, डिजीज कंडीशन। कुछ बीमारियाँ जैसे हार्ट फेलियर, लीवर डिजीज़ या किडनी डिजीज़ वगैरह में पानी ज़्यादा पीने से ये मुकम्मल तौर पर बॉडी से फ्लश आउट नहीं हो पाता और वेट गेन होने लगता है। उम्मीद करते हैं कि आप अच्छी हेल्दी लाइफ के लिए पानी के इस बैलेंस को मेंटेन करेंगे। स्टे हेल्दी, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ।